के पद पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय मगरदहा घोरावल सोनभद्र पर 2013 से कार्य कर रहा हूँ। प्रधानाध्यापक होने के बाद हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विद्यालय कैंपस बहुत ही खराब था, यहाँ एक भी पेड़ पौधे फूल पत्ती कुछ भी नहीं था। पौधे लगाने के बाद भी बच्चे उसको उखाड़ देते थे, कुछ ग्रामीण जन भी नुकसान करते थे। बच्चों के अंदर संस्कार की काफ़ी कमी थी, बच्चों का उपस्थिति बहुत ही कम था। बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया, प्रतिवर्ष स्काउटिंग का प्रशिक्षण दिलवाया, इनको दीक्षित करवाया, इनका दीक्षा संस्कार कराया, जिससे बच्चे संस्कारी हुए। और उपस्थिति बढ़ाने के लिए हमने प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का सहयोग लिया, उनके द्वारा बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया। वर्ष के अंत में जिस बच्चे की उपस्थिति 100% थी या जिसकी उपस्थिति 90% से ऊपर थी, हमने ऐसे अभिभावकों को सम्मानित कराया और उन बच्चों को भी पुरस्कृत कराया, जिससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ने लगी विद्यालय में और उनका शैक्षिक स्तर भी बढ़ा। बच्चों और अभिभावकों का साथ हमें बहुत मिला और बच्चों की टोलियां बना करके ग्रीष्मावकाश में हम खुद बच्चों के साथ रह करके पौधों की सिंचाई, पौधों की सुरक्षा करते थे। मेधावी परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे ब्लॉक और जनपद में अपना स्थान बनाए, यहाँ तक कि कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी हमारे बच्चे प्रदेश के उपविजेता रहे। खेलकूद में भी हमारे बच्चे मंडल तक भाग किए, यानी जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अच्छे कार्य के लिए हमें सम्मानित भी किया गया। परिषदीय विद्यालयों में परंपरागत विधि पढ़ाई होता था, लेकिन आज नित्य नवाचारों का प्रयोग हो रहा है, जिससे परिषदीय विद्यालय में काफ़ी बदलाव आ रहा है। भविष्य में परिषदीय विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों को पीछे कर देंगे। परिषदीय विद्यालयों में हमेशा अच्छे कार्य हो रहे हैं। भावी योजना है कि विद्यालय में एक बाल संसद भवन का निर्माण कराएं और प्रधान का सहयोग लेकर के, प्रधान से बातचीत करके बच्चों के भोजन के लिए भोजन सुविधा।